जिला किसान कांग्रेस कमेटी द्वारा दीवानी से चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती बहुत ही धूमधाम के साथ मनाई गई। इस मौके पर कांग्रेसियों ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की जयंती शहर भर में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाई गई। इसी क्रम में जिला किसान कांग्रेस कमेटी द्वारा दीवानी चौराहे पर स्थित चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर चौधरी चरण सिंह जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। चौधरी चरण सिंह अमर रहे, चौधरी चरण सिंह अमर रहे, जो किसानों से टकराएगा दूर दूर हो जाएगा, जो किसानों से टकराएगा दूर दूर हो जाएगा। किसान कांग्रेस जिंदाबाद, किसान कांग्रेस जिंदाबाद। आज स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिवस है, किसानों के मसीहा थे। आज अगर हम पूर्व जन्म में विश्वास करते हैं तो आज किसानों के वो दिन आ गए हैं कि देश में अगर गांधी जी और उनकी चौधरी साहब की अगर कहीं प्रतिमा लगी है तो उनकी आंदोलन इस देश में चल रहा है, और उसे दमनकारी सरकार मोदी सरकार को चलने का प्रयास कर रही है, उससे उनकी आत्मा आज रोती होगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, चाय गाय गोबर गौमूत्र हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान शमशान कब्रिस्तान का पाठ्यक्रम जो पिछले 6-7 वर्षों से इस देश की जनता को मूर्ख बनाकर पढ़ाया जा रहा है, ये पाठ्यक्रम अब कांग्रेस पार्टी ज़्यादा दिन तक इनका चलने नहीं देगी। किसान अब इन धोखेबाज सरकारों को समझ चुका है और मोदी सरकार की उल्टी गिनती देश के अंदर शुरू हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने रणनीति तैयार करी है। आज ही हमारा जो किसान मोर्चा के जो देश के अध्यक्ष हैं माननीय श्री राजकुमार चाह जी, उनका घेराव का हमारा प्रोग्राम है। उन्हीं के घर पे अभी हम थोड़ी देर में पहुंचेंगे, वहां पे घेराव करेंगे और ये बता देंगे कि अगर कोई ताकत है इस पूरे भारतवर्ष में तो वो किसान है। किसान और जवान, इस पर अगर कोई भी आँच आएगी तो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता ईंट से ईंट बजा देगा इस प्रशासन की। साथ ही किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि चौधरी चरण सिंह ने सदैव किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए कार्य किया है, लेकिन मोदी सरकार की कूटनीति राजनीति के चलते किसान आहत हो चुका है। यही कारण है कि किसान सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर है।